हम जिंक के कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे, और इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है ZnSO4.7H2। इसे वाइट विट्रियॉल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वाइट विट्रियॉल। इससे पहले हमने जो कंपाउंड पढ़ा FeSO4.7H2, वो ग्रीन कलर का था, CuSO4.5H2 ब्लू कलर का था, बट कलरलेस। इनके कलर्स की वजह भी हम बात कर चुके हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल कहा जाता है, ये सेंटर मेटल में कॉम्प्लेक्स बना के DD स्प्लिटिंग क्रॉस करते हैं, जिसके कारण में कलर्स आते हैं। तो वो तो इसमें भी हुआ होगा, इसमें भी कॉम्प्लेक्स बना होगा, इसमें भी लिगेंड की तरह वर्क हुआ होगा, फिर इसमें कलर क्यों नहीं है? वजह यह है कि जो जिंक है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3D10 4S2। और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो अगर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और उस हिसाब से अगर इसके दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 3D10 4S0। और ये बात की जा चुकी है कि जिनमें D0 कॉन्फिगरेशन होता है उनमें इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं कि वो एक्साइट होकर ऊपर जा सकें, और जिनमें D10 कॉन्फिगरेशन है उनमें सारे ऑर्बिटल्स फुलफिल हैं, तो लोअर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होकर ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और विजिबल लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसलिए कलर भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमारा जो कंपाउंड है ये वाइट कलर का होता है, या कह सकते हैं कि इसमें ट्रांजिशन नहीं होता है, जिसके कारण ये कोई कलर एक्वायर नहीं कर पाता है। इसे बनाने के तरीके की बात करें, प्रिपरेशन काफ़ी आसान है इसे बनाना। हम जिंक को डायरेक्ट या फिर इसे किसी कंपाउंड स्टेट में, जैसे जिंक ऑक्साइड पड़ा था, हमने जिंसाइड जैसे कहा जाता है, या ZnCO3 कंपाउंड जो है उसकी रिएक्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड से करा के हम इसे बना सकते हैं। तो हम इसे जिंक के रूप में ले सकते हैं प्योर, या फिर हम इसे जिंक ऑक्साइड के रूप में ले सकते हैं, या फिर हम इसे जिंक कार्बोनेट के रूप में रख सकते हैं, या तो प्योर स्टेट में लेंगे या कंपाउंड स्टेट में लेंगे। उसके बाद में इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जब हम इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। और डिपेंड हमने किसके साथ रिएक्शन कराई है, जिंक सल्फेट के अलावा कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिलेंगे, जैसे ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप हो गई, यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस की जाती है कि हाइड्रोजन के कंपेयर में इसका RP कम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिलेटिवली पॉजिटिव एलिमेंट होता है, इसलिए इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलेगा, क्योंकि हमने जिंक की जगह जिंक ऑक्साइड यूज़ किया है, तो ये बन गया जिंक सल्फेट, दिस इज जिंक एंड दिस इज सल्फेट, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल गया हमें वाटर। यहाँ पर समझ गए होंगे बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, थोड़ी सी हीटिंग की रह जाए, वैसे तो ऐसा लग रहा है कार्बोनिक एसिड मिलेगा क्योंकि ये जिंक सल्फेट निकल जाएगा, हीटिंग कराई जाए तो ये कार्बोनेट, पहले के लेक्चर्स में देखा हुआ है कि जो कार्बोनेट होते हैं वो हीट करने पर CO2 गैस रिलीज करते हैं, यदि थर्मली स्टेबल होते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में एक तो मिल गया जिंक सल्फेट, जिसको बनाने के लिए हमने प्रोसीजर की है, और साथ में दिस हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म वाटर। और यदि हम बचे हुए की बात करें तो यहाँ क्योंकि इसका एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले चुका है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए, तो जो बच जाएगी वो बचेगी CO2 गैस। तो दिस इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग जिंक सल्फेट। डायरेक्टली आप जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराकर भी इसे बना सकते हैं, या आप जिंक के कंपाउंड्स ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड जिंक कार्बोनेट, उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराकर भी बना सकते हैं। एक्वस मीडियम जनरली रिएक्शन होती है, तो ये खुद ही बनने के बाद में, जब भी फिलहाल हाइड्रस एस्टेट में दिखाई दे रहा है, पर खुद ही 7 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड ZnSO4.7H2 बना लेगा, जिसे हम वाइट विट्रियॉल कहते हैं। और ये जो वाइट विट्रियॉल है, ये वाइट इसलिए नाम है क्योंकि इसमें D10 कॉन्फिगरेशन होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांजिट हो पाते, इसलिए ऐसा कोई कलर हमको नहीं मिलता।
इसे मदर लीकर कहते हैं जिसमें आपका मेन कंपाउंड है। तो अगर आप इसे क्रिस्टलाइज या कूल करते हैं अराउंड 39 डिग्री सेल्सियस पे, तब आप पाते हैं कि आपको क्रिस्टल्स मिल जाते हैं वाइट कलर के, ZnSO4.7H2O के। तो हम इसे बनाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन है उसे थोड़ा सा कूल और क्रिस्टलाइज करेंगे, और अराउंड 39 डिग्री सेल्सियस पे बिलो हम ये पाएंगे कि हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे वाइट कलर के ZnSO4.7H2O के। प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम इसकी बनाने के बाद में, तो प्रॉपर्टीज़ में पहली बात ये बात बोली जा चुकी है कि इट्स अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, इट्स अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इट्स अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है ये आसानी से। इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में बहुत आसानी से घुल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, हीटिंग इफेक्ट। अगर हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट, पहले भी हमने जैसे बात की है कि जो FeSO4.7H2O था, अगर हमने उसे 300 पे गर्म किया था तो उसने वाटर मॉलिक्यूल लॉस किए थे। जो आयरन क्लोराइड था वो गर्म करने पे डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल नहीं लॉस करके वो कुछ ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था। ऐसे ही हमने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में भी देखा था कि पहले तो उसने खुद ही वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर दिए थे, उसके बाद हीट करने पर भी इसने वाटर मॉलिक्यूल लॉस किए थे। वैसे ही हम यहाँ हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं वाइट क्रिस्टल्स पर, जो कि है ZnSO4.7H2O के। अभी हमने एक टेम्परेचर लिया था 39 डिग्री सेल्सियस, जिसके बिलो ये बना था। तो अगर हम इसे 39 के अबाव गर्म करते हैं, हमने लिया है ZnSO4.7H2O, हमें इसे गर्म करना है, इट शुड बी अबाव 39 डिग्री सेल्सियस। 39 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए एंड बिलो 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा करने पर ये अपना सिंगल वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा। अभी सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा, मतलब अब ये फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा ZnSO4.6H2O। और अगर हमने इसे गर्म किया अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, ये अपने पांच वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देगा, इट बिकम मोनोहाइड्रेट ZnSO4.H2O। अभी देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल बचा है इसके पास में। अगर हमने इसे 280 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, यू विल गेट एनहाइड्रस। फर्दर हीटिंग भी इफेक्ट करती है इसको। अगर हमने इसे 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया, वी विल गेट जिंक ऑक्साइड एज वेल एज SO3। कुछ प्रोसीजर कॉपर जैसे चल रही है, और जैसे हम जानते हैं SO3 स्टेबल नहीं होता, इट फाइनली चेंज टू SO2+O2। तो ये है इस बात का इफेक्ट कि यदि हम इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है। वेरियस टेम्परेचर जिस पे वो अलग अलग प्रोसीजर दिखा रहा है, 39 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में ये एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा, पर टेम्परेचर 70 से कम होना चाहिए, 70 से अबाउ एक लिमिट तक, क्योंकि हमें 280 तक नहीं पहुंचना है जो ऑब्जर्वेशन है दिखने के लिए। पांच वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होंगे तो मोनोहाइड्रेट हो जाएगा, 280 पर अनहाइड्रस हो जाएगा। फर्दर हीटिंग यदि 800 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो ZnSO4 पर अनस्टेबल है, और कुछ कॉपर जैसे रिएक्शन दिखाएगा, कॉपर में भी ऐसे हुआ था, तो हमें जिंक का ऑक्साइड SO3 मिलेगा, और ये SO3 क्योंकि अनस्टेबल होता है फाइनली चेंजेस टू SO2+H2O, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। अब हम इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व इट्स रिएक्शन विद NaOH। ये बेस होता है कास्टिक सोडा के साथ में रिएक्शन दिखाता है, और इस रिएक्शन में यदि हम ZnSO4 की रिएक्शन
एनयूएच के साथ कराएं, तो ये एक नहीं दो स्टेप में होती है। सबसे पहली स्टेप में हमें जहाँ हाइड्रोक्साइड मिलता है जिंक का, रिएक्शन सिंपल है, इसमें एनयूएच के साथ रिएक्शन कराई, जिंक एक मेटल है, बेसिक नेचर का है, और एनयूएच के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और बचा हुआ पार्ट Na2SO4 के रूप में आपको बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वी विल गेट ZnOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये पहली स्टेप है। सोडियम का एक कंपाउंड होता है सोडियम जिंकेट, और जिंक एक ऐसा मेटल है जो यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, जिसमें उसकी रिएक्शन NaOH के साथ में डायरेक्ट कराई जाती है, तब सोडियम जिंकेट बनता है। तो वहाँ पर जिंक डायरेक्ट NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बनता है, और यहाँ प्रोसीजर दो स्टेप की हो गई क्योंकि हमने जिंक की जगह जिंक सल्फेट लिया है। तो जो वहाँ पर जिंक डायरेक्ट रिएक्शन दिखाता है NaOH के साथ में, वो दो स्टेप की हो गई। पहले जिंक सल्फेट जिंक हाइड्रोक्साइड में चेंज हुआ, उसके बाद में वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और एक कंपाउंड बनाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट द फॉर्मूला Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। काफ़ी जगह आपको जिंक की NaOH के साथ रिएक्शन मिलेगा, ये सोडियम जिंकेट नाम है इसका। और यहाँ पे आपके दो सोडियम के एटम यूज़ हो गए, एक जिंक का एटम यूज़ हो गया और दो ऑक्सीजन यूज़ हो गए, कुल मिला के आपके बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो जिंक सल्फेट पहले अपने आप को जिंक हाइड्रोक्साइड में चेंज करता, उसके बाद में वो NaOH के साथ रिएक्शन करके अपना NaOH के साथ नॉर्मली बनने वाला कंपाउंड सोडियम जिंकेट बनाता है। इट्स फॉर्मूला है Na2ZnO2। अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कराने वाले हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में। सोडियम कार्बोनेट के साथ किस रिएक्शन में हमें मिलेगा बेसिक जिंक कार्बोनेट ZnCO3.3ZnOH3। अगर आप याद करें तो जिंकसाइड जब हम ZnO की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, फिलोसोफर बुल जैसे हमने कहा था, जिसे चाइनीज वाइट कहा था, उसकी प्रिपरेशन में हमने कहा था कि जब हम जिंक के कंपाउंड का कैल्सिनेशन या रेस्टिंग कराते हैं तो हमको जिंकसाइड या ZnO मिलता है, और सबसे प्योर जिंकसाइड बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे थे बेसिक जिंक कार्बोनेट ZnCO3.3ZnOH3। वही अब बनने वाला है। तो हमारे पास में चॉइस है कि अगर हम बेसिक जिंक कार्बोनेट बनाना चाहते हैं तो जिंक सल्फेट के रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और जैसे कि हमको जो कंपाउंड बनाना है बेसिक जिंक कार्बोनेट बनाना है, जिसका फॉर्मूला है ZnCO3.3ZnOH3, दिस इज कॉल्ड बेसिक जिंक कार्बोनेट। ये वही कंपाउंड है जिसकी हमने कैल्सिनेशन करके प्योर जिंकसाइड बनाया था, बेसिक जिंक कार्बोनेट वही है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो हमें 4 एटम चाहिए जिंक के, और रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारा सल्फेट निकलेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल, तो साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा सोडियम सल्फेट। तो जिस बेसिक जिंक कार्बोनेट का यूज़ करके ZnCO3.3ZnOH3 को कैल्सिनेट करके हमने प्योर जिंकसाइड या चाइनीज वाइट बनाया था, फिलोसोफर बुल बनाया था, उसे बनाने के लिए हम जिंक सल्फेट के रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवा सकते हैं। हम नेक्स्ट रिएक्शन ही बता रही है, इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यदि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया तो क्या होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में सोडियम कार्बोनेट न लेके सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं और जिंक सल्फेट की रिएक्शन उससे करवा रहे हैं। तो दिस इज जिंक सल्फेट, इसके रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, और जब हम रिएक्शन कराएंगे तो अब हमें बेसिक जिंक कार्बोनेट नहीं मिलेगा, उसकी जगह हमें सिंपली जिंक कार्बोनेट मिलेगा। ये जिंक कार्बोनेट बन गया, सोडियम जो है सल्फेट के साथ निकल गया बाय प्रोडक्ट के रूप में Na2SO4। साथ में जैसे कि हम देख चुके हैं कार्बोनेट्स के रिएक्शन में CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकली और साथ में मिला वाटर मॉलिक्यूल। तो हमें याद ये रखना है कि अगर हमें बेसिक जिंक कार्बोनेट बनाना है तो जिंक सल्फेट की रिएक्शन जहाँ हमें सोडियम कार्बोनेट के साथ में करवानी है, वहीं यदि हमें सिर्फ जिंक कार्बोनेट चाहिए तो हम इसकी रिएक्शन सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ में कराएंगे।
इसके अलावा ये डबल सॉल्ट भी बनाता है अल्कली के साथ में। देखिए हमने डबल सॉल्ट जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मोहर सॉल्ट था एन एच फोर होल्ड प्राइस एस ओ फोर डॉट एफ एस ओ फोर डॉट सिक्स एच टू, उसी तरह ये भी डबल सॉल्ट बनाता है। फॉर्मूला लगभग मिलता जुलता, देखिएगा के टू एस ओ फोर अल्कली के साथ में, हमने कहा था वहाँ पोटेशियम अमोनियम यूनि पॉजिटिव आयन कुछ भी हो सकती है, डॉट जेड एन एस ओ फोर डॉट सिक्स एच टू। तो ये इस तरह के डबल सॉल्ट्स भी बनाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से कंपाउंड डबल सॉल्ट बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते, तो आपको याद रखना है जिंक सल्फेट जो डबल सॉल्ट बनाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो वाइट विट्रियोल है जेड एन एस ओ फोर सॉल्ट सेवन एच टू, ये काम कहाँ कहाँ आता है, तो अब डिस्कस करने वाले हैं इसका एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन में इसकी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस हमें दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इट्स वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यूज्ड एज आई लोशन, आंखों में भी यूज किया जाता है, यूज एज आई लोशन। और हम जानते हैं इसे आई एक बहुत ही डेलिकेट सी जगह होती है, तो अगर इसको यूज किया जाए तो डेफिनेटली ये काफ़ी इफेक्टिव और नॉट वेरी स्ट्रेंथ कहना चाहिए स्ट्रेंथ वाला होगा, अदरवाइज वो नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया गया है। इसके अलावा इसका यूज जो है वो वाइट पेंटिंग में भी किया जाता है। वाइट पेंटिंग में इसका जो कंपोजिशन होता है वो जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर होता है, जिसे लिथोफोम के नाम से जानते हैं। मतलब जहाँ एक तरफ ये आंखों में लोशन की तरह काम आता है, यही ये पेंटिंग के काम भी आता है। इसके अलावा अगर हम जिंक सल्फेट की बात करें, तो जो जिंक सल्फेट होता है वो मॉर्डेंट के रूप में, मॉर्डेंट अगर आप जानते हो तो ये एक ऐसा कंपाउंड होते हैं जो डाइंग में काम आता है। डाइंग मतलब जब आप कोई फैब्रिक लेते हो या कोई आर्टिकल लेते हो जिस पर आप कलर अप्लाई करना चाहते हो, तो ये ज़रूरी होता है कि इनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग हो, क्योंकि अगर ये प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होगी तो बहुत लूज या वीक कलर लगेगा, जिसकी वजह से बहुत आसानी से वो निकल चुका है। तो मॉर्डेंट एक ऐसा मीडियम होता है जो फैब्रिक से या किसी आर्टिकल से कलर को प्रॉपरली जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा इसे कैलिको प्रिंटिंग, एक प्रिंटिंग का टाइप होता है, उसमें भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एक प्रोसेस होती है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली वो आयरन का आर्टिकल होता है, हम दूसरे मेटल के लिए लगाते हैं, और जब वो दूसरा मेटल जिंक होता है तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ये गैल्वेनाइजेशन के काम आता है। और मेटलर्जी में जब हम रिफाइनिंग पढ़ते हैं तो सबसे इफेक्टिव मेथड मानी जाती है रिफाइनिंग की इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर हमें मेटलर्जी में रिफाइनिंग करना है, फॉर रिफाइनिंग ऑफ जिंक में इसे यूज किया जाता है। और लास्ट एप्लीकेशन, ये एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है जिंक के जितने भी और कंपाउंड होते हैं, जैसे पहले हमने जिंक ऑक्साइड पढ़ा था, एक कंपाउंड जो भी पेंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो किसी भी जिंक कंपाउंड को बनाने के लिए बहुत अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल टू फॉर्म अदर जिंक कंपाउंड, ये है वाइट विट्रियोल ZnSO4.7H2 के एप्लीकेशन। काफ़ी वर्सेटाइल कंपाउंड है, जहाँ या मेडिसिन में यूज़ कर रहा है वहीं ऐसे वाइट पेंट के रूप में यूज़ किया जाता है,
ये मॉडर्न भी है जो टाइम में काम आता है, और ये काफ़ी एप्लीकेबल और यूज़फुल है अगर आप जिंक के बाकी कंपाउंड इससे बनाना चाहते हैं तो। जिंक के बाद अगर हम अगले कंपाउंड्स में आए तब हम मर्क्यूरी के कंपाउंड डिस्कस करना चाहते हैं। मर्क्यूरी कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल मर्क्यूरी का बताता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस नहीं है। मेनली इसके दो कंपाउंड हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, उसमें एक है Hg2Cl2 जिसे कैलोमल के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कंपाउंड हम लोग सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बनाने के काम में लाते हैं। या HgCl2 भी एक कंपाउंड है मर्क्यूरी क्लोराइड जिसे करोजिव सब्लिमेट के नाम से जानते हैं। करोजिव सब्लिमेट HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड। कैलोमल जहाँ एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड होता है, वहीं ये जो HgCl2 है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये एक पॉइजनस कंपाउंड होता है। दोनों की केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जिसमें हम पहले शुरुआत करेंगे कैलोमल के साथ में Hg2Cl2। मैं इसे अगर रिडॉक्स रिएक्शन के रेफरेंस से बताऊं तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो हमें कई बार लगता है कि हम इसे HgCl2 नहीं लिख सकते, मगर ये तरीका गलत है और आपको कभी ये फॉर्मूला इस तरह से मिलेगा भी नहीं। वजह यह है कि यहाँ दो मर्क्यूरी हमेशा कोवलेंटली बॉन्डेड मिलते हैं और दोनों पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, और अगर ये कोवलेंटली बॉन्डेड है तो ये डेफिनेटली आयोनाइज नहीं होते। बाद में ये क्लोरीन से जुड़ के बनाते हैं Hg2Cl2, तो हमेशा नेचर में आपको Hg2+7 में मिलता है, ये कोवलेंटली बॉन्डेड अलग से ही नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, इसको बनाया कैसे जाता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है सबके बनाने के तरीके, तो वैसे ही इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। इस कैलोमल को HgCl2 को Hg2Cl2 को बनाने के लिए हम हमेशा अक्सर किसी न किसी मर्क्यूरस कंपाउंड का यूज़ करते हैं। मर्क्यूरी पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है तो उसे कहते हैं मर्क्यूरस। तो जैसे मैंने आपसे कह चुके हमेशा ये इस फॉर्म में मिलता है, तो मैं इसे ऐसे लिखते हैं, इसे कहते हैं मर्क्यूरस। जब +2 होती है तो उसे कहते हैं मर्क्यूरिक। वैसे जैसे फेरस फेरिक क्यूपरस क्यूपरिक, वैसे ही मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। तो ये जो कंपाउंड है Hg2Cl2, इसे कॉमनली कैलोमल के नाम से जानते हैं। हम इसे मर्क्यूरिक मर्क्यूरस क्लोराइड भी कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +1 है। तो किसी और आप मर्क्यूरस कंपाउंड को लेकर, जो जनरली मर्क्यूरस नाइट्रेट होता है, जब इस मर्क्यूरस कंपाउंड की रिएक्शन किसी क्लोरीन सोर्स के साथ कराई जाती है लाइक NaCl और HCl, तो आप इससे बना सकते हैं फ्रॉम एनी मर्क्यूरस कंपाउंड। तो मैंने सपोज लिया मर्क्यूरस नाइट्रेट Hg2NO2NO3 होल ट्वाइस, और अगर मैं इस मर्क्यूरस कंपाउंड की रिएक्शन किसी क्लोरीन सोर्स से कराऊं, दो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो आइदर 2 मोल ऑफ NaCl और 2 मोल ऑफ HCl। तो रिएक्शन में ये जो नाइट्रेट आयन है वो रिप्लेस्ड हो जाएगी क्लोरीन से। आसान रिएक्शन है, बन जाएगा Hg2Cl2 और साथ में निकलेगा ट्वाइस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। उसी तरह इस रिएक्शन में भी नाइट्रेट क्लोरीन से रिप्लेस्ड हो जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Hg2Cl2 और साथ में बनेगा ट्वाइस HNO3। तो इस किसी ऑलरेडी बने हुए मर्क्यूरस कंपाउंड में हम जो एग्जिस्टिंग एनायन है उसको क्लोराइड से रिप्लेस करके इसे बना सकते हैं। सेकेंड वाले में हम मैटलिक मर्क्यूरी का यूज़ करेंगे। और जब हम मैटलिक मर्क्यूरी यूज़ करेंगे तो रिएक्शन दो स्टेप में जाएगी।
पहली स्टेप में हम इस मेटलिक मर्क्यूरी की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराकर मर्क्यूरिक सल्फेट बनाएंगे। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेनी पड़ेगी, इतने आसानी से रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। सेकेंड स्टेप में बनने वाले मर्क्यूरस सल्फेट में दोबारा मेटलिक मर्क्यूरी मिलाई जाएगी और साथ में कोई क्लोरीन का सोर्स मिलाया जाएगा लाइक NaCl। जैसे कि मुझे दो क्लोरीन के एटम चाहिए इसलिए मैंने इसके दो मोल यूज़ किए हैं। ऐसा करने पर अब हम मिल जाएगा, दो मर्क्यूरी के एटम हैं तो बन जाएगा Hg2, साथ में दो क्लोरीन हैं तो बन जाएगा Cl2, और यहाँ पर निकल जाएगा Na2SO4। इस तरह मेटलिक मर्क्यूरी से भी इसे बनाया जा सकता है। अगर थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए तो इसके अलावा हमने जो दूसरा कंपाउंड देखा है दैट इज मर्क्यूरिक क्लोराइड, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। इसे हमने करोजिव सबलिमेट बोला था। इसके पहले तरीके में इस मर्क्यूरिक क्लोराइड में, क्योंकि फॉर्मूला Hg2CO2 होने वाला है तो ऑब्वियसली दो एटम तो लगेंगे, मर्क्यूरी कैसे दो से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे SO2 और वाटर से रिएक्ट करेंगे। अब पाएंगे SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जब हमने इससे पहले रेडॉक्स रिएक्शन की बात की थी, और जनरली आप याद करें तो ये जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप एक रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन होने वाला है और मर्क्यूरी जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है उसमें वो +2 से +1 हो जाएगा। तो SO2 आप याद कीजिए, जब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, एक तो बना Hg2Cl2, HgCl2 के अलावा अगर हम बात करें तो दो क्लोरीन बच गए हैं, ये ट्वाइस HCl के रूप में निकल जाएंगे, और यहाँ पर ये जो SO2 है वो चेंज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन हमने पहले पढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +2 थी, अब क्या हो गई +1, मतलब इसका क्या हुआ रिडक्शन, और यहाँ +4 से +6 हो गई तो ऑक्सीडेशन। हम बात कर चुके हैं जब SO2 रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है तो वह H2SO4 में चेंज हो जाता है। सेकेंड, अगर हम HgCl2 की रिएक्शन मेटलिक मर्क्यूरी से कराएं तो भी वो एक एक्स्ट्रा मर्क्यूरी की मदद से Hg2Cl2 में चेंज हो जाएगा। तो हमने ये कुछ रिएक्शन देखी और ये वो रिएक्शन है जिसकी मदद से हम कैलोमल या Hg2Cl2 को प्रिपेयर कर सकते हैं।